एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे राजधानी एक्सप्रेस में ऐसा खाना मिलेगा। मैं ट्रेवल कर रहा था मुंबई से आगरा राजधानी एक्सप्रेस थर्ड एसी में, जिसमें सीट थी मेरी अपर बर्थ और जिसकी टिकट का प्राइस था 2400 रुपए, जिसमें फूड इंक्लूडेड था। ओके रहना पड़ेगा मेरे आगे। जल्दी से पकड़ी मैंने अपनी सीट और स्टेशन से निकलते ही मुझे IRCTC के स्टाफ ने पानी की बोतल सर्व कर दी और कल्याण स्टेशन पहुंचते ही मुझे इवनिंग स्नैक्स भी सर्व कर दिए गए, जिसमें मुझे मिला एक समोसा, एक सैंडविच, एक नमकीन और साथ में मिली सोन पपड़ी। और समोसे को तो भाई मैं फैन ही हो गया। नाश्ता हुआ एकदम बढ़िया, व्यू को एंजॉय किया और 2 घंटे बाद ट्रेन पहुंची नासिक, जहां पर मुझे डिनर सर्व कर दिया गया। और यही हो गया मेरा दिमाग खराब। चावल कच्चे थे, सब्जी में कोई नमक नहीं था, पनीर किसी दिन का नहीं था, सिर्फ दाल मुझे खाने लायक लगी और मुझे ही नहीं ट्रेन में किसी को भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये का बवासीर बना दिया हो। फिर दिमाग को ठंडा करने के लिए भैया ले आए मेरे लिए आइसक्रीम खाई और फिर मैं सोने चला गया। सुबह उठा तो ट्रेन ग्वालियर पहुंच चुकी थी, तो भैया मेरे लिए ले आए गरम गरम चाय। वैसे तो ब्रेकफास्ट आगरा के बाद मिलता है, पर मैंने भैया को बोला कि मैं आगरा तक ही जाऊंगा, तो भैया मेरे लिए पहले ही नाश्ता ले आए। Nice. मैंने खाया ट्रेन का सबसे बढ़िया आलू बंडा और एकदम गरम गरम उपमा खा के मैं एक्सपेक्ट नहीं